खूबसूरत मुल्क स्पेन में रीपोजेस्ड खूबसूरत प्रॉपर्टीज एट वेरी गुड प्राइस मालागा माबेला में अवेलेबल हैं। कॉन्टेक्ट के लिए रजू करें मिस्टर लियाकत हारून हनीफ खिताब, टेलीफोन नंबर 07961332092 या हमारी वेबसाइट विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग यूरोप। मैं हूं आपकी होस्ट स्नोबर और मेरे साथ लियाकत। गुड मॉर्निंग यूरोप प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लेकर हम आपकी खिदमत में सुबह से हाजिर हो गए हैं। जैसे को पता है कि आपको ये आपका प्रोग्राम में आपसे बहुत ज्यादा मजे की दिलचस्प बातें और के साथ दो घंटे जो है एक लम्हा गुजर जाता है। दो घंटे यानी 8-10 बजे मॉर्निंग एंड गुड यूके और वो लोग इस वक्त सो रहे हैं उनको मेरी खबरों में डेफिनेटली नहीं होगी। जो जाग रहे हैं वो उनको उठा दें कि स्नोबर और लियाकत का प्रोग्राम मॉर्निंग शो उठे और इस प्रोग्राम में शिरकत करें। जिंदगी इंतहाई मसरूफ इंतहाई गहमागीन नफ्स अफराज ज्यादा रह गई है, तफरी कम हो गई है, गम दौड़ और ये देखा होगा हर वक्त हर लम्हे हमें होता है कि हम ना हो जाए चाहे वो गुड मॉर्निंग जो प्रोग्राम देखने में लेट हो जाए तो कुछ जो है अब खोल मजीद मत खोए उठे और देखें कि मेरे साथ कौन है जो कि हमेशा ही होते हैं यानी कि जनाब लियाकत हारून हनीफ साहब। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग यूरोप, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। गुड मॉर्निंग शो आज फिर हम हाजिर महमूद हुए लेकिन आज मज़ेदार बात ये थी कि हमारा अलार्म क्लॉक स्नोवर होती है। आज हम लोग उठा और पहुँच गए, स्नोवर ने भी कमाल कर दिया। 5:30 से 7 बजे हम आवर शॉर्ट करके 15-20 मिनट्स में किया तो आज हम खुद ही अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको अवार्ड देती हूँ, आप मुझे अवार्ड इस सिलसिले में 5 मिनट के अंदर तैयार हो कि आपके सामने। असल जो हमारा आज का टॉपिक है कि हम लोग लड़ाई क्यों करते हैं लिए भी तो हम लोग जाते हैं, मुझे उठा रही हैं, मैं नहीं उठ रहा, लेट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हमारा टॉपिक है क्या हम घर में इंसान की गुस्सा भी किया जाता है, उसकी श्राप भी इंसान की शख्सियत में मुरतब होती है। खुद को पैदा किया उसके अंदर रूह डाली, उसके अंदर मुख्तलिफ उनकी खसूसियात भी डाली जिसमें कि ख़ास तौर पे कि एक इंसान की जिबिलत में एक गुस्सा है, खुशी का इजहार भी करता है, काम का इजहार भी करता है, संजीदगी भी होती है, बुर्दबारी भी होती है। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, जिनको अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता है और जो बेलगाम बोलते चले जाते हैं और बेतुकान वो जो गुफ्तगू करते हैं उससे वो दूसरे इंसान को इतना ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं कि दूसरा इंसान भी लड़ने और झगड़ने में आमादा हो जाता है या मसरूफ हो जाता है। लड़ाई झगड़ा आपस में कीना पड़ी, इसके अलावा एक दूसरे को नीचा जो है शो करना, और लड़ाई झगड़े में इंसान ये कभी भी ना सोचे कि जो शख्स झगड़ा करता है उसकी कोई फतह हो जाती है या वो कुछ जीत लेता है। हालांकि लड़ाई झगड़ा चाहे वो मियाँ बीवी में हो, बच्चों में हो, बहन भाई में हो, इसके अलावा एक ख़ानदान में हो, ख़ानदान से हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क का हो, यानी कि जो भी लड़ाई झगड़ा होता है इसमें नुकसान दोनों का होता है। जिसमें परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए
तो एक को कम नुकसान होता है, दूसरे को ज़्यादा नुकसान होता है। तो लड़ाई झगड़े का एक नुकसान ही है, और इस नुकसान के बारे में, इस लड़ाई झगड़े के बारे में आज हम बात करेंगे। मियाँ बीवी हो, बच्चे हो, रिश्तेदारी हो, कुनबा बरादरी हो, कुछ भी हो, ये लड़ाई झगड़ा आपस में क्यों होता है, और लड़ाई झगड़े का जो है वो सद्देबाव हम कैसे करें, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। अगर मिल बैठे, अगर आपस में बामी गुफ्तगू शुनीद करें, तो क्या उससे लड़ाई झगड़ा कम हो सकता है। और गुस्से में आकर जो फैसले होते हैं, आपको पता है जो कत्ल होता है, जो किसी को मारने का एक इंसान इरादा करता है, तो मिनटों में नहीं बल्कि लम्हों में होता है। उसमें इंसान का एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है उसका अमल दखल होता है। बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में आप कहते हैं या मर जाओ या मार दो, मुकमकाओ करो, यानी इसको मारो और ख़ुद भी मर जाओ। लेकिन उसके बाद में जो एक पछतावा होता है वो जानलेवा होता है, वो एक रोग बन जाता है। तो आज हम आप सबको इनवाइट करेंगे और आपसे पूछेंगे कि घरों में आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। बिल्कुल, आप अपने पड़ोसी के साथ भी झगड़ा करते हैं, ये तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। और सबसे अगर हम वोटिंग करें कि सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किसका होता है, तो मेरे ख्याल सास और बहू का होता होगा। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। क्यों लड़ती हैं सास और बहू या दामाद से, या ये ऐसे कुछ रिलेशंस हैं, या कज़न टू कज़न जेलसी की वजह से भी लड़ाई होती है, या दूसरे का नीचा दिखाने के लिए सिर्फ होती है, या जस्ट शौक के लिए लड़ाई होती है, या अपनी पावर शो करने के लिए लड़ाई होती है। हमारे साथ शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस, और साथ मैं लाइक ऑलवेज आस्क फॉर योर सजेशंस कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी में आप जा रहे हैं, आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, जल्दी कोई आगे ऐसा ड्राइवर आ गया कि आप अपना टेंपर लूज कर जाते हैं। और आज हमारे फिर आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए, अपने ये आपका प्रोग्राम है, आप ने हम सब ने मिलकर ये बातें करनी है, और फिर हो सकता है किसी को कोई अकल थोड़ी सी आ जाए, कोई सजेशन ऐसी आए कि किसी के जहन में आ जाए कि हाँ, मैं इस झगड़े से बच भी सकता हूँ, इस गुस्से को मैं कैसे कंट्रोल करूँ, कैसा ये जो वो सिर्फ गुस्सा उसी वक्त पर होता है, ना कि कंटिन्यूसली होता है। अगर आप वो लम्हा जो है कंट्रोल कर जाए, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी ऐसे हालात होते हैं जिनको जिनसे आप बच सकते हैं। बाज़ दफ़ा फेटल भी होते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं इसी सिलसिले में, और या किसी को ग्रीवियस बॉडीली हार्म भी होता है, किसी को पंच कर दिया, किसी का जबड़ा तोड़ दिया, दांत तोड़ दिया, या कोई और चीज़ जान खराब कर दी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ आप, और क्या हालात हुए हैं आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हुई। हाउ डिड यू कंट्रोल योरसेल्फ, हाउ वर यू अग्रेसिव बिफोर, और अगर आपने वो चेंज किया आपने आपको, तो क्यों किया। जी नाज़रीन, कहते हैं एक चुप सौ सुख। जब भी आपका मियाँ आपसे बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बेतुकान गुफ्तगू करे, तो खातून को चाहिए चुप करके बैठ जाए, क्योंकि कहते हैं कि औरत की ज़बान चलती है और मर्द का हाथ चलता है। लेकिन आजकल देखा गया है कि मर्दों की ज़बानें बहुत ज़्यादा चलती, ख़ास तौर पर मर्द जब बुढ़ापे में दाखिल होता है, ओवर 60 हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके अंदर शगुफ्तगी ख़त्म हो जाती है, उसके मिजाज में बहुत ज़्यादा बदमिजाजी आ जाती है। ये शायद रिटायरमेंट होती है। जी कॉल लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। जनाब बात हो रही है कि लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। मेन वजह जो मैं जानती हूँ वो जेलसी है। जेलसी, जी। अगर आप आप अपने रिलेटिव्स के अंदर हैं, अगर आप थोड़ी सी भी कामयाबी हासिल करते हैं जिंदगी में ड्यू टू योर ओन एफर्ट्स, लोग इतने जेलस होते हैं, बजाय इसके कि आपको मुबारक दें या आपके साथ खुशी का इजहार करें, वो जलते सड़ते बहुत हैं। सही बात है। जलने सड़ने के बाद इतनी तंज करते हैं, दे मेक यू सो आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल द रेस्ट ऑफ द रिलेटिव्स, कि जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया होता है। हाँ जी, इतना जबरदस्त ये जेलसी का जो इंतकाम है ना, बहुत बुरा है। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर कोई जेलसी शो करता है तो आप करते हैं, अगर आपने जिंदगी में
आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी हेलो। हाँ जी, अगर आपके साथ कोई जलसी या गुस्सा शो करता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं उसको? क्या आप भी वैसे ही रिएक्ट करती हैं या आप डिफरेंटली, या आप उसको सब्र से सह लेती हैं? कैसे आपका रिएक्शन क्या होता है ताकि वो जो जलसी करने वाला है उसको भी तो कोई रिएक्शन चाहिए, कि या तो वो शर्मिंदा हो या आप उसे वैसी एटीट्यूड दें, क्या आप करते हैं? मेरा ये एटीट्यूड होता है कि मैं हैरान हो जाती हूँ कि why are they making me isolated from rest of the relatives? मैं अपने आप को विक्टिम समझती हूँ, और विक्टिम जो होता है हमेशा छुपने की कोशिश करता है कि मैं इनसे दूर रहती हूँ, इनके पास ना जाऊं। और फिर जो सोचें आपकी होती हैं वो आपको इतना दर्द देती हैं। लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप अपनी लॉ जो है, अपना दिमाग है जो, अल्लाह की तरफ लगाएं, तो अल्लाह से मांगे कि इन लोगों ने मुझे बगैर कसूर के मुझे सजा दी है, और मेरा कसूर क्या है? मैं तो वही कर रही हूँ जो तेरा दस्तूर है कि मेहनत करो और आगे बढ़ो, और मैंने मेहनत की और आगे बढ़ी हूँ, और दे आर थ्रोइंग स्टोन्स एट मी। बिल्कुल सही है, ऐसे बहुत ज्यादा। हेलो जी, आप गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहले तो आपको मुझे सूट बहुत पसंद है। आप ले लें इसको। ये मुझे बताइए आपने कहाँ से लिया? ये लाहौर, लाहौर है, बाकी सब काबिले गौर है। हाँ, नाइस, अब बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू वेरी मच। जी, मैं भी ये जेलसी के बारे में बताए, तो ये तो आप देखें, ये कोई जरूरी नहीं कि रिलेटिव भी करते। अगर हस्बैंड ही जेलस करे अपनी बीवी से और बच्चों से तो वह क्या हो? ये बताइए, भी जेलस करते हैं हस्बैंड जेलस क्यों करेगा? ये कोई ऐसी बीवी है, ये देखिए अगर इधर लेके आते हैं, शादी करके लेके आते हैं, जी जी, अच्छे, अगर बीवी अच्छे घर से बिलोंग कर रही है तो इधर ला के वो भी जेलस ही कि आप अच्छे घर से बिलोंग कर रही है, उनको ताने करना, ताने करना, वैसे ही फिर उनको नीचा दिखाना, ठीक है। फिर बाद में अगर बीवी इधर काम पे भी लगा रही, काम कर रही है, उसने उससे मेहनत की, अपनी मेहनत पे सब कुछ कर लिया, हाँ जी, तो वो भी जेलसी। अगर उससे मांगती है तो देना नहीं, अगर कर रही है तो वो जेलसी है। सही, तो आप उसको कैसे सही करते हैं? क्या आप कैसे तो सही? चुप हो जाते हैं, बस यही कि नमाज वगैरह पढ़ते हैं कि अल्लाह सब्र दे। उसके बाद फिर समटाइम इतना गुस्सा आ जाता है कि या इसको हाँ, क्योंकि इंसान के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक लिमिट डाली हुई है सब्र की, बर्दाश्त की। हाँ जी, वो तो जब समटाइम क्रॉस हो जाती है तो समटाइम बंदा कहता है चलो कोई बात नहीं, इसको समझ आ जाएगी। वो मैं यही बताना चाहती हूँ, बाहर के तो जेलसी करें, उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो 24 आवर घर में रहता, पास रहता, वो जेलसी करे तो उसका क्या करें? सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक है। ये मर्द एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, अपनी बीवियों को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, जब दूसरी खवातीन के पास जाते हैं अपनी बीवियों की बुराइयां करते हैं और उनको बुरा भुला कह के वहाँ पे अपनी स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी हमदर्दियां लेते हैं। कॉल जाके साहब जी, गुड मॉर्निंग यूरोप, अस्सलाम वालेकुम जी। कोई बात नहीं, वापस आ जाए। इतनी देर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि खामंद अगर अपनी बीवी से जेलस होता है तो उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि बीवी एक इज्जत की, गैरत की जो है मलकियत होती है अपने खावंद की। अगर वो अपनी बीवी की इज्जत करता है, उसको अपना समझता है, उसकी और उसको इस हद तक वो कंट्रोल करता है, वो किसी की तरफ आंख उठा के ना देखे, कोई उसकी तरफ आंख उठा के ना देखे, उसकी मर्जी के बगैर वो बाहर ना जाए, कोई ऐसा काम ना करे, तो मेरा ख्याल है कि फिर अगर वो उससे जेलस हो या उससे लड़ाई झगड़ा करे, बीवी की यकीनन कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन उसको प्यार से, मोहब्बत से भी दूर किया जा सकता है, उसको बुर्दबारी से, संजीदगी से, ना कि डंडा हाथ में उठा लिया, या चाहे वो डंडा वो जबानी हो चाहे वो प्रैक्टिकली हो। कहते हैं जबान शीरी मुलक गिरी, जबान टेढ़ी मुलक बांका। आपकी जबान मीठी होगी तो आप मुल्कों पे हुकूमत कर सकते हैं, अगर आपकी जबान टेढ़ी होगी तो मुलक भी फिर बांका हो जाता है। तो जबान शीरी की रखें, मोहब्बत रखें, प्यार रखें। इसी तरह जो बीवियाँ हैं वो कितनी भी लापरवाही जो है अपनी ज़ात से बरतें, बेइतनाई बरतें, लेकिन खामदों को जो अल्लाह ताला ने एक मजाजी खुदा का मकाम दिया है, उसको उस पर हमेशा उसी नज़र से उसको देखें, इज्जत से, प्यार से, मोहब्बत से। जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि हर इंसान को एक अपना लेवल सेट करना चाहिए, और
उस लेवल से उसको नीचे अपने आप को गिराना नहीं चाहिए कि अगर दूसरा लड़ाई कर रहा है तो आप भी उसी उसके लेवल में आके वही लड़ाई करें, वही ज़बान बोलें, तो ये भी सही नहीं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दूसरे को समझाने के लिए वो इंसान थोड़ा सा स्टेप ओवर हो जाता है, लेकिन अगर आप कंट्रोल कर लें, गुस्सा आया तो कहते हैं कि अगर आप दांतों को भींच लें और मुट्ठियां भी भींच लें कि मैं ये कंट्रोल करना है, स्पेशली जो पावरफुल है उसको चाहिए कि ज़्यादा जो जिसमें पावर है, ताकत ज़्यादा है, फिजिकल ताकत ज़्यादा, उसको कंट्रोल करना चाहिए ताकि दूसरी आप जो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप अपनी बेगम को ख़ास तौर पे मुझे अगर आप समझते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो आप 50 पाउंड का एक नोट दें और उसको गले दान में दबा दो। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है आज के लिए और ये ऐसा मसला आई थिंक कि जो हर रोज हर इंसान जो है इससे गुजरता है। सही बात। तो मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि गुस्सा पहले बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए कि मैं हर किसी के साथ तावन करती थी और मतलब होना कि बस दूसरे को खुश रखना है और बर्दाश्त करना है। जी जी। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ वो रिएक्शंस लोगों के बढ़ते गए और गुस्सा जो मुझे आना शुरू हुआ तो मैंने कहा ये तो मुझे एग्रेसिव बना रहा है। तो जो मेरे लिए बेहतरीन थेरेपी ये थी कि अगर आपको गिले शिकवे होते हैं ना तो आप कह दें, और अगर आप दूसरे से गिला नहीं करते तो आप ऐसे करें कि अपने दिल में खामोशी से उसको डिलीट कर दें, जैसे होता है ना कि फाइल डिलीट हो गई है। जब दिल से गुस्सा निकल जाता है तो मतलब अगर कोई भी शिकवा है उसको क्लियर कर लें, उसे होता है कि फिर आप उस इंसान के साथ दूसरे इंसान के साथ इतने एग्रेसिव नहीं होते जी। और दूसरी बात यह है कि आई थिंक अगर हम थोड़ी सी जैसे भाई साहब कह रहे थे कि खामोशी इख्तियार कर लें, थोड़ी सी चुप इख्तियार कर लें, वो एक लम्हा ही होता है, उसमें आप कहें कि जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, पानी पी लें, और या सिचुएशन में जहाँ झगड़ा हो रहा है आप उस सिचुएशन से दूर चले जाएं। सही। एक इंसान अगर मतलब कि चले आप खामोशी से कमरे से बाहर चले जाएं और जस्ट टेक अ वॉक, फ्रेश एयर में चले जाएं और फिर एनालाइज करें। जब आप वॉक पे जाते हैं आप सोचते हैं, उससे क्या होता है कि आप खुद ही अपने सवाल जवाब जो है आपके जहन में आते हैं और आप काम डाउन हो जाते हो। अक्सर ये होता है कि एक्शन वर्सेस रिएक्शन, तो व्हेन देयर इज नो एक्शन यू नो ओमिशन होती है ना कि नो एक्शन, ये भी एक मतलब अच्छा एक्शन है कि आप बिल्कुल खामोशी से मूव आउट और बर्दाश्त का मादा पैदा करें। जी जी। सबसे मुश्किल बात यही है। दूसरा ये होता है कि आप देखें कि जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं वो किस लेवल का है, मतलब उसका जहन किस लेवल पे सोच रहा है। जी जी। कभी कभी ऐसे होता है कि उसकी इतनी जहनी सतह नहीं होती बात समझने की और वो पिक ही नहीं कर रहा होता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और आप हैं कि वो जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहे होते हैं, उसमें भी गुस्सा होता है, उसमें भी झगड़ा पैदा होता है। तो अक्सर ये चीजें होती हैं जो हमारे माशरे में आई थिंक ज्यादा घरेलू झगड़ों में भी होते हैं। और जहाँ तक जेलसी की बात है, जेलसी का रिएक्शन गुस्से से नहीं देना चाहिए। जो इंसान जेलस हो रहा है वो बजाते खुद अपनी एक मुसीबत में मुब्तला है और वो चाहता है कि आप उस मुसीबत में मुलव्वस करें जी। तो आप उसको रिएक्शन ना दें, जस्ट टेक इट इजी, क्योंकि उनके जेलस होने से मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। सही बात। सही बात। दूसरा ये कि कितनी खूबसूरत बातें की हैं और अपने गुस्से को कवर करने के लिए उन्होंने कहा है कि बाहर निकल जाए, खामोशी इख्तियार कर ले। ठीक है, आप मेरी तरफ क्यों इशारा कर रही हैं कि मैं मुझे बता रही हैं कि मैं आप पे तो गुस्सा है ही नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ नहीं है। गुस्सा बिल्कुल है, हर इंसान में होता है। वो कहते हैं कि इंसान में गुस्सा लाजमी होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जिसमें गुस्सा नहीं है वो थाली का अगर बैंगन है वो भी ख़तरनाक है कि जिसका कभी इधर हो गए कभी इधर। व्हेन देयर इज समथिंग रॉन्ग यू हैव टू शो योर एंगर, यू हैव टू शो योर मूड, लेकिन नुकसानदेह हद तक नहीं कि किसी का फिज़िकल। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा घरों में सबसे पहले माँ बाप जो हैं छोटे बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं, अगर आप उनको प्यार से ट्रेनिंग करें तो उसी हिसाब से बड़े होंगे। अगर आप बाज़ दफ़ा हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा जो बच्चा है हमारी सेम एज का नहीं है,
उसको समझने में जरूरत और एंड दैट चाइल्ड इज लर्निंग फ्रॉम यू चाइल्ड इज लुकिंग अप टू यू. अगर आप उससे बात कर रहे हैं गुस्से में तो वो यही बच्चा समझता है कि मुझे भी एंगर शो करना चाहिए, ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, ये मैंने ऐसे ही रिएक्ट करना है दूसरों के साथ. यस, प्यार से समझाएं बच्चे को. वो मस्जिदों में अगर हमारे या किसी भी मजहबी अदारे में हम हमारे बच्चे जानते जाते हैं तो आप वॉच करें कि मौलाना सख्ती, क्योंकि अक्सर देखा है कि जो टीचर्स यहाँ के तो टीचर्स अब मार नहीं सकते क्योंकि ये मना हो गया, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो हमारे बच्चे हम मजहबी अदारों में भेजते हैं स्पेशली मुसलमान लोग और जो मौलाना साहब होते हैं उनकी ट्रेनिंग इसी तरह से हुई होती है कि उन्होंने मार अपनी ट्रेनिंग में मार खाई होती है, वो बच्चों को आगे मारते हैं. तो दैट्स अनदर एग्रेशन जो डेवलप होता है बच्चों के बड़े में जब होते हैं तो वो गुस्सा आता है. जी नासिर, बिल्कुल, हम लड़ाई झगड़े में बात करेंगे. आज का टॉपिक है कि झगड़े लड़ाइयाँ क्यों होती है, गुस्सा क्यों होता है, हसद और जेलसी की वजह से या जाती अदावत की वजह से या एहसास कमतरी की वजह से या जहालियत की वजह से या फिर आपके ब्लड प्रेशर हाई है तो वो जो प्रेशर है वो आप बीवी ने मियाँ पे निकालना है, मियाँ ने बीवी पे निकालना है, जो भी इसका रीज़न है, जो भी इसका जवाब है. लेकिन लड़ाई झगड़े घरों में जब होते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान सेहत पर भी होता है और माहौल पे भी होता है और इसके अलावा उन मासूम बच्चों पे भी होता है जो माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखते हैं या बहन भाई आपस में झगड़ते हैं. लड़ाई झगड़ा होना एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन एक हद तक, अगर ये हद से ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि इसको जो है किसी न किसी तरीके से इसको ख़त्म होना चाहिए. तो हम आज बात करेंगे लड़ाई झगड़े पर, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, चाहे बहन भाई का हो, चाहे वो किसी किस्म का भी हो, या एक दूसरे से बिजनेसमैन एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, आपस में बोझ रखते हैं, हम सारे एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, किसी भी किस्म का लड़ाई और झगड़ा. मियाँ बीवी के लिए तो मैं ये कहूँगी लड़े मत, झगड़े खूब. तो लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग यूरोप स्नोबर एंड लियाकत के साथ. मिलते हैं ब्रेक के बाद. खूबसूरत मूल टर्की में प्रॉपर्टी, हॉलीडे होम और सेकेंड होम, खूबसूरत सनशाइन और खूबसूरत ओशन प्रॉपर्टी के लिए रजू कर सकते हैं लियाकत हारून हनीफ साहब को ऑन दिस नंबर 0796133209 या हमारी वेबसाइट विजिट करें.